फोटो देख करके या नाम देख करके वो उसको कुछ भी कर सकता है। ये सच में पॉसिबल है। वो कहीं ना कहीं उसको हील करके ही लौटेगी, नुकसान नहीं करेगी। इट्स अ मिसकंसेप्शन। जब हमने उनका साइकिक अटैक रिमूवल करना स्टार्ट करा, उनके अंदर 18 एनर्जीज थी अलग अलग। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो वीडियो को देख करके खुद ही बैठ के हील करना शुरू कर देते, तो ये बहुत ज़रूरी है उन्हें बताना कि हर कोई हील नहीं कर सकता। और 20 सेकंड्स में इसका आपको रिजल्ट मिलता है, इतनी फास्ट। 20 सेकंड्स अगर वो कोई भी काम खोलते थे, बिजनेस खोलते थे, वहाँ उनको लॉसेज ही होते थे। शायद कभी बहुत 100 साल 150 साल पहले उस लैंड के नीचे कोई रहा होगा, या मतलब वहाँ पे कोई रहा होगा जो वहीं पे ही दब गया और ऊपर घर बन गया। किसी भटकती हुई आत्मा के बारे में मैं जब पूछती हूँ तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि इस बारे में हम लोग डिस्कस ना ही करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुप्त विद्या होती है और इसको जितना ये गुप्त रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। कई चीज़ें हम खुद ही तो बोलते हैं डार्क एनर्जी। डार्क का मतलब क्या है? अंधेरा। अंधेरे का मतलब क्या है? इट हैज़ टू बी गुप्त ओनली। इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी टू नो एंड अंडरस्टैंड। आपको पता है दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? हमारा माइंड, हमारी टंग। तो शी इज़ लाइक कि मैम आपने मेरी लाइफ बदल दी है, क्योंकि कहाँ मैं इस चीज़ से परेशान थी कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते पीटते हैं और आज की डेट में वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। नमस्ते इंडिया, मैं आपके साथ हूँ आंचल वर्मा और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में आपके लिए एक बहुत ही खास गिफ्ट है जिससे हमारे हर एक व्यूअर को एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल हीलिंग फील होने वाली है। तो वीडियो स्किप करने का सोचना भी मत। साथ ही साइकिक हीलिंग और यूनिवर्सल एनर्जी के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स और सीक्रेट्स आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ है वर्ल्ड रिकॉर्ड साइकिक हीलर और बहुत ही मैजिकल पर्सनालिटी तारा मल्होत्रा जी। तारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपके बारे में आपके बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत मेरा मन था आपको बुलाने का एंड मैंने वो मैनिफेस्ट भी किया एंड फाइनली आप मेरे सामने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाल के आप मेरे साथ आए। आप एक बहुत अच्छी हीलर हैं। जो मैं आपकी वीडियोज़ देखती हूँ मुझे बहुत पसंद है और आपने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है घर बैठे बैठे। मैंने बहुत सुना है ऐसे। आज मैं सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में क्या था कि जो हीलर था वो एक हीलिंग भेज रहे थे, राइट? बहुत पॉजिटिव हीलिंग। उसमें नीचे लिखा था कैप्शन में कि जिसके हार्ट ब्लॉकेजेस है तो वो उनको ये फील होगा। तो मैं देख रही थी, हार्ट ब्लॉकेजेस तो कुछ नहीं है बट स्टिल उसको मैंने जब फील किया ना तो लिटरली बहुत पॉजिटिव फील किया। तो मैं ये सोची थी कि मैंने कहा मैम से मैं पूछूंगी ज़रूर क्या ये सच में काम करता है, जो कि लिटरली मैंने फील किया है, बट क्या ये हर किसी के लिए काम करेगा? ये किस टाइप की हीलिंग्स होती हैं और क्या ये हीलिंग्स आप भी करते हैं? हाँ चल, अगर हम देखें ये जो है एक तरीके से यूनिवर्स की एनर्जी को चैनल करना है। हम सबके आसपास एनर्जी होती है और कुछ लोग उसको चैनल करना जानते हैं, कुछ लोग उसको चैनल करना नहीं जानते। तो अगर हम चैनलिंग की बात करें तो अभी मैं एक हीलिंग भेजती हूँ जो कि हमारे व्यूअर्स हैं वो उसको देख के अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वो उन्हें एनर्जी महसूस भी होगी। ओके। और अगर उनको सर दर्द, हेडेक के ले लेते हैं, ठीक है, अगर उनका हेड हैवी रहता है या उनको माइग्रेन रहता है या फिर सर दर्द रहता है या लेजीनेस रहता है, फोकस का कंसंट्रेशन का इशू है, तो जो लोग भी देख रहे होंगे उनको अपने थर्ड आई चक्रा पे एनर्जी टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होगी और एनर्जी को रिसीव करते ही दे विल फील बैलेंस्ड। हेडेक में उनको विद इन 60 सेकेंड्स में रिलीफ मिलेगा बट दे विल हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग। ओके, सो लेट अस डू अ सेशन, स्मॉल सेशन फॉर देम। एंड ये हीलिंग ज़रूर वर्क करती हैं तो हम लाइव इसको चेक करते हैं, ठीक है? तो जो लोग भी इस एनर्जी को देख रहे हैं वो अपनी थर्ड आई चक्रा यानी कि अपने आईब्रोज के बीच में फोकस करेंगे और ये बोलेंगे कि वी आर रिसीविंग एंड एब्जॉर्बिंग द एनर्जी सेंट बाय मास्टर हीलर डॉक्टर तारा मल्होत्रा। जैसे जैसे ये एनर्जीज उनके थर्ड आई चक्रा पे जाएगी, दे विल फील अ टिंगलिंग सेंसेशन। और अगर किसी को हेडेक है, कोई हेड इशू है, सर दर्द है, तो दे विल फील अ इंस्टेंट रिलीफ एज दे कनेक्ट टू द एनर्जीज ऑफ दिस वीडियो। They have to focus on the energy and receive it. Once they receive the energies, they sit in this mudra for 2 minutes and release the energy. तो जो लोग भी ये आंचल वीडियो देख रहे होंगे, इस एनर्जी को जब वो कनेक्ट करेंगे या डाउनलोड करेंगे, दे विल हैव एन इंस्टेंट इफेक्ट। और चाहे वो आज देखें, चाहे वो 10 दिन बाद देखें, चाहे वो 1 महीने बाद देखें, दे विल बी एबल टू डाउनलोड दिस एनर्जी दिस ईयर। ओके, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी टाइम के लिए, आगे भी मतलब कोई भी देख सकता है। मैंने इसको प्रोग्राम कर दिया है इस साल के एनर्जीज के लिए। सो फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स जो भी इस एनर्जीज को देखेगा वो इसको डाउनलोड कर पाएगा, इससे कनेक्ट हो पाएगा और उसको इंस्टेंट रिलीफ। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार ही देख ली तो वो सेकेंड टाइम उसको देख नहीं सकता। दे कैन सेव दिस वीडियो एंड डेली भी वो इसको सुबह मॉर्निंग में फॉर 2 मिनट्स अगर रिसीव करेंगे एनर्जी को, तो दे विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, तो ये जैसे आपने बताया कि जिसको हेडेक है, माइग्रेन है, क्या ये पॉसिबल है कि जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं किसी न किसी छोटी प्रॉब्लम से लेकर के भी, तो क्या आप उनको भी हील कर सकते हैं अपनी इस हीलिंग पावर से? बिल्कुल कर सकते हैं। आंचल की जितने भी हीलिंग मेथड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम वर्क इन डिस्टेंस ऑल्सो। मतलब आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर कोई आपके साथ बैठा है तो आप उसको टच करके भी हील कर सकते हैं। सो अब हम अपने व्यूअर्स के लिए एक एनर्जी बॉल क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पे वो जब भी फील कर रहे हैं डिप्रेस्ड, सैड, लो, या फिर अगर उनको आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, यू नो यू नीड पीस ऑफ माइंड या कामनेस, ताकि आप सोच सकें कि आपको क्या करना है, तो वो इस एनर्जी बॉल को डाउनलोड कर सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्रोग्राम करने जा रही हूँ। अगले 6 मंथ्स के लिए वो इसको वीडियो को सेव करके रख सकते हैं और जब भी इससे कनेक्ट करेंगे या फिर एक एज अ डेली रूटीन भी मॉर्निंग में उसको देखेंगे, अपना वर्क शुरू करने से पहले अपनी सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करके उसके बाद अपना दिन शुरू अगर करेंगे तो दिन में उनको अच्छा भी लगेगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी कम होगी एंड दे विल बी एबल टू मैनेज देयर वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, इसके लिए हम टिंगलिंग बेल की सेंसेशन से स्टार्ट करेंगे। आप अपने इस साउंड को सुनेंगे। क्लोज योर आइज एंड एज यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, you will visualize that you are connecting to the energies sent by me. Keep breathing in and breathing out as you absorb the energy which is helping you release your negativity, your evil eye, sadness, depression, or any energy which is disturbing you. जब भी लोग इसको डाउनलोड करेंगे फॉर 24 आवर्स, जैसे आपने आज डाउनलोड किया तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको जो भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या जो भी ब्लॉक्ड इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे. दैट इज़ वाई अगर डेली इससे हम कनेक्ट करेंगे तो विद इन 21 डेज़ आप देखोगे कि जो भी आपका इशू था जिसकी वजह से आपको सैडनेस या डिप्रेशन या एंग्जाइटी इश्यूज़ आ रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा. तो अगर आप 21 डेज़ के लिए रेगुलरली इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं इसको सुन के, सो यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दैट इशू परमानेंटली. ओके, तो जैसे आपने 21 डेज़ का बताया तो इसकी टाइमिंग भी कुछ होती है कि सोने से पहले आपको करके, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एक तो मॉर्निंग में उठते के साथ ही और एक आपको सोने से पहले आपको ऐसी एनर्जीज़ लेनी ही पड़ती है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रात भर काम करे. तो ये भी चीज़ होती है. और प्लस जो आपने हीलिंग दी है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि किस तरह की हीलिंग है और क्या एक आम इंसान भी इसको घर बैठे कर सकता है. तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये कि ये दिन में कितनी बार हमें करना है. आप अगर दिन में एक बार मॉर्निंग में भी कनेक्ट कर लेते हो देन इट इज़ देयर विद यू फॉर 24 आवर्स. तो आपको रात को उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. 24 आवर्स में आपको एक ही बार इससे कनेक्ट करना है. किसी भी टाइम आप कर सकते हो, बट उस टाइम करिए जब आप 2 मिनट 4 मिनट अपने लिए आप कंफर्टेबली डिस्ट्रैक्ट हुए बिना निकाल सकते हो. या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑफिस में जैसे बॉस ने कुछ बोल दिया, यू फीलिंग वेरी, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, फियर हो रहा है, उस टाइम भी आप इस एनर्जी से इमीडिएटली आप कनेक्ट हो सकते हो. ओके. और ये जो आप हीलिंग जो आप दे रहे हैं ये कौन सी हीलिंग है और आम इंसान इसको कैसे कनेक्ट कर पाएगा या कैसे खुद को हील कर पाएगा. मैंने आजकल यहाँ पे 1-2 एनर्जीज़ को एमेलगमेट किया है. यानी कि मैंने रेकी और लामा फेरा हीलिंग के कुछ सिम्बल्स को कंबाइन करके तभी मैंने जो बेल रिंग की थी 7 टाइम्स रिंग की थी, क्योंकि मैंने आपके 7 चक्रास को एक्टिवेट करके उस पर सिम्बल्स क्रिएट करे. तो जो भी इस एनर्जी को डाउनलोड कर रहा होगा उसके ना केवल उस चीज़ को, तभी मैंने बोला कि जड़ से वो प्रॉब्लम उसकी निकलेगी, क्योंकि हमने उसके 7 चक्रास को एक्टिवेट किया और उसको हीलिंग सिंबल्स के साथ एनर्जी. तो मैंने रेकी हीलिंग और लामा फेरा हीलिंग को एमेलगमेट किया और लास्ट में मैंने एंजल्स के थ्रू ब्लेसिंग्स उनको दिए. ओके, सो इट इज़ लाइक अ 3-फोल्ड हीलिंग दैट दे हैव रिसीव्ड, जिससे उनको हीलिंग भी मिली है और प्रोटेक्शन भी 24 आवर्स की उनको साथ में रहेगी. ओके. मैं खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ. और मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने रेकी और लामा फेरा हीलिंग की बात की है, एक्चुअल में क्या है रेकी हीलिंग. मैंने भी बहुत सुना है और मैं चाहती हूँ कि इसे थोड़ा और आप डिटेल में बताइए कि रेकी हीलिंग क्या है. रेकी हीलिंग इज़ दिस सॉफ्टेस्ट, आई वुड से रेकी हीलिंग इज़ दिस सॉफ्टेस्ट एंड दिस सिंपलेस्ट हीलिंग मोडालिटी विच एग्जिस्ट हियर. एंड ये बहुत पुरानी टेक्निक है, चाइनीज जापनीज़ मेथड है. ये तब से चला आ रहा है जब हमारे पास हम टच हीलिंग से लोगों को ठीक किया करते थे. एंड डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने इसको फर्स्ट चैनल किया था. और उन्होंने कुछ सिम्बल्स डाउनलोड किए थे जिसके ज़रिए आप कोई भी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल इशू को हील कर सकते हैं. अच्छा, तो ये जो इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, इनके साइंस अलग अलग होते हैं. यस, इनके साइंस अलग हैं, बट इनको जब यूज़ किया जाता है तो एक मेथड, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में यूज़ किया जाता है. तो इन अ वे, क्योंकि अगर आपको फिजिकल पेन है आपकी बॉडी में तो आप ये मान के चलिए कि वो इमोशनल मैनिफेस्टेशन है. हमारे ब्लॉक्ड इमोशंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं. किसी को घुटनों में दर्द है, जिससे कहते हैं शोल्डर्स में जिसके दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, दैट मींस स्टिफ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोग. दे टेक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स. तो वो जो ब्लॉक्ड इमोशंस होते हैं वो इस एरिया को, कंधों को आपके ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं. जिन लोगों के लोअर बैक इश्यूज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ कहीं ना कहीं उनको फिनेंशियल इनसिक्योरिटी उनको ट्रबल करती है. कईयों के जैसे कई लोग अपनी बात तो कह नहीं पाते क्योंकि इमोशंस ट्रैप रहते हैं, है ना. स्पेशली इन वुमेन उनको नी पेन आने लगता है. ओके. तभी आपने देखा होगा लेडीज़ में नी पेन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अगर आप अपनी मम्मीज़ को या पहले की उनको देखो तो देवर उनको बहुत नी पेन्स एक पॉइंट इन टाइम के बाद आने लग जाया करते थे, क्योंकि वो इमोशंस वहाँ पे ट्रैप होने लग जाते हैं. तो रेकी हीलिंग आप ये कहती है कि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके डिजीजेज से कनेक्टेड हैं. तो जो हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इन अवर बॉडी, फिजिकल मैनिफेस्टेशन. तो रेकी ऑल थ्री लेवल्स पे काम करता है, माइंड, बॉडी एंड सोल. ओके. इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे काम करता है. और इट इज़ वेरी सिंपल, इवन यू कैन लर्न इट, एनीबडी कैन लर्न इट. उसकी कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं होते हैं कि आपको कुछ पहले आना चाहिए या आपके पास. एनीबडी एंड एवरीबडी. मैंने अपनी 14 ईयर्स की डॉटर को भी रेकी में इनिशिएट किया हुआ है, एंड शी हील्स हर सेल्फ. जब उसको कोई इशू आता है या फिर उसको यू नो एग्ज़ाम का टेंशन होता है, पेपर, लर्निंग के टाइम, फोकस एंड कंसंट्रेशन के टाइम, सो शी गिव्स हर सेल्फ हीलिंग. दिस इज अ हैंड्स ऑन मेथड, शी कैन हील हर सेल्फ, यू नो, शी हील्स हर सेल्फ. सो रेकी हीलिंग कोई भी सीख सकता है, सेफेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है. और लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन भी होता है कि रेकी से लोग गलत कर देते हैं, किसी को ब्लॉक कर देते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसे होता. मैंने भी सुना है ऐसे कि अगर किसी को रेकी आती है, बहुत एक्सपर्ट है, तो क्योंकि ये डिस्टेंस हीलिंग होती है, तो इसमें होता है कि फ़ोटो देख करके या नाम देख करके वो उसको कुछ भी कर सकता है. या तो ये सच में पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ ये डिपेंड करता है हीलर पर कि वो कर सकता है और ना चाहे तो वो नहीं भी कर सकता. देखो, रेकी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी. और रेकी की जो सिंबल्स हैं वो मिकाओ यूसुई ने, जो उनके गुरु हैं, उन्होंने बनाए इस तरीके से हैं कि रेकी आपका नुकसान नहीं करेगी. अगर आप उसको गलत इंटेंशन से भी किसी की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हो, सो इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी. वो कहीं ना कहीं उसको हील करके ही लौटेगी, वो नुकसान नहीं करेगी. इट्स अ मिसकंसेप्शन. ओके. तो रेकी किसी का बुरा नहीं करती. रेकी आपकी बॉडी में लाइक एनर्जी, रेकी हमारे 7 चक्रास और 7 एनर्जीज पे, एनर्जी सेंटर्स पे वर्क करती है. वो ब्लैक मैजिक या गलत काम करने के लिए यूज़ आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. रेकी को अगर मैंने किसी की तरफ गलत इंटेंशन से भेजा भी है, मैंने भेजा कि किसी का बुरा हो जाए, उसका पैसा मुझे मिल जाए, नहीं होगा. वो जाएगा, वो उसके ऑरा में एनर्जी रहेगी और वो पॉजिटिव ही करके लौटेगी, कभी नेगेटिव नहीं करेगी. तो दिस इज अ मिसकंसेप्शन. ओके. रेकी से क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे केस हैंडल किए होंगे, तो कोई ऐसा केस जो आपको लगा होगा कि ये थोड़ा डिफरेंट था, मतलब रेकी हीलिंग से थोड़ा, आपने रेकी हीलिंग जिसके साथ की होगी थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब ये मेरी लाइफ में पहला ऐसा केस आया है, कोई ऐसा केस? मैं एक हीलर का ही आपको केस बताती हूँ. काफ़ी सीनियर हीलर हैं वो. अच्छा. और मेरे घर के पास ही रहती थी, तो मैं उनके घर, बहुत पहले की बात बता रही हूँ आपको, 14-15 ईयर्स बैक. तो तब ऑनलाइन मीडिया और ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं था, और हम ऑनलाइन भी खरीदते नहीं थे. अगर हमें कुछ बाय करना था तो हम शॉप्स या मॉल ऐसे ही जाया करते थे. मॉल्स भी इतने नहीं होते थे, बट सिंस आई एम इन गुड़गांव, तो वहाँ पे मॉल काफ़ी टाइम से हैं. तो मैं उनके घर कैम्फर खरीदने जाया करती थी, क्योंकि कपूर मैं उन्हीं से रहती थी. शी यूज्ड टू गेट दी प्योरेस्ट ऑफ कपूर फ्रॉम समवेयर, कुछ किसी स्टेट से वो मंगवाती थी. अच्छा. स्पेशल होता होगा, स्पेशल. हाँ, वो स्पेशल कपूर था, तो प्योरेस्ट कपूर, तो वो लेके आया करती थी. तो मैं बोलती थी कि आंटी मैं आप ये घर से ले लूँगी कि मैं कहाँ से, तो मैं उनसे लेने जाया करती थी. तो वो उनके घर में ना सडनली वी सॉ कि उनकी जो डॉटर थी, उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया और उनका डिवोर्स की सिचुएशन आ गई. फिर उनके हस्बैंड की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई, हार्ट अटैक एंड पैरालिटिक अटैक उनको साथ ही साथ आ गया. अच्छा, मतलब एकदम होने लगा, सडन चेंज ऑफ इवेंट्स होने लगे. एंड इन फैक्ट उनको खुद भी उनकी डॉटर ने मुझे बताया कि मम्मा जब हीलिंग कर रही होती तो वो अलग अलग आवाज़ों में बात कर रही होती जो मम्मा को नहीं पता, और जब हम बताते हैं तो शी डजंट रियलाइज, उनको याद नहीं रहता. तो जब मैंने उन आंटी को बताया तो शी सेड ऐसा कुछ नहीं है. तो जब हमने प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया, उनके साथ बैठ के बात करी, तो ऐसा लगा कि घर में भी सडन इवेंट्स हो रहे हैं कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई ऑल ऑफ अ सडन. तो एक बारी चेक करते हैं. तो उन्होंने मुझे बोला एक बारी, ठीक है तारा, यू डू अ हीलिंग सेशन फॉर मी. एंड वी सैट. जब हमने उनका साइकिक अटैक रिमूवल करना स्टार्ट करा, उनके अंदर 18 एनर्जीज थी अलग अलग. तो कहीं ना कहीं जब कोई एक ऐसी हैवी एनर्जी उनके पास आई तो उनका क्राउन चक्रा क्लोज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसके बाद वो जो भी ऐसे केसेस पिकअप करती रहीं जहाँ पे साइकिक अटैक था या अलग सेकेंड एंटिटी थी वो उनके अंदर घर करती गई एंड शी डिड नॉट रियलाइज इट, क्योंकि उन्होंने वो अपना क्राउन चक्र क्लोज नहीं किया था तो जब वो हो ही नहीं पाया शायद, क्योंकि कोई एंटिटी इतनी हैवी आ गई थी दैट शी एंड शी वाज नॉट एबल टू हैंडल दैट, तो वो धीरे धीरे उनके अंदर घर कर गई। तो जब वो हीलिंग्स करती थी तो वो अलग अलग आवाज़ों में बात किया करती थी, कभी मेल कभी फीमेल, मतलब उनकी आवाज़ों की टाइप ऑफ वॉइस भी चेंज हो रही थी। तो फिर उन एनर्जीज को निकाला जिसमें से 3 एंटिटीज़ ने अपनी प्रेजेंस भी वहाँ पे शो की। हम लोग बैठे हुए थे, आंटी थे, मैं थे, हम सेशन कर रहे थे। फिर हमने उन एनर्जीज़ को वहाँ से रिलीज़ कराया। एक जगह पे हमें हेजी एनर्जीज महसूस हुई जो हमें दिख रही थी, दे वर क्वाइट मूविंग। और जो सेकंड एनर्जी प्रेजेंस थी उस एनर्जी की, उसने प्रॉपर जब वो वहाँ पे मूव कर रही थी तो हमें वहाँ पे प्रिंट्स दिख रहे थे उसके मूव करने के, चलने के। तो 3 एनर्जीज़ थी जो बहुत ही हैवी एनर्जी थी, जिन्होंने अपनी एनर्जी प्रेजेंस भी हमें दिखाई। फिर उसको रिमूव किया, सेशंस करे, साइकिक अटैक रिमूवल्स किए, लामा फेरा हीलिंग्स को यूज़ किया, अलग अलग मोडालिटीज़ को यूज़ करके उन एनर्जीज़ को क्लोज करके हमने रिलीज़ किया। तो बट जो अंकल के साथ हुआ, तबीयत को या बेटी के साथ हुआ, वो इरिवर्सिबल डैमेज था, वो उनकी फैमिली में ऑलरेडी हो ही चुका था, सो दैट कुड नॉट बी रिवर्स। बट एक हीलर के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, तो आपने कहा कि चक्रा बंद नहीं हुआ, तो पहले हम लोग जब आप हील करते हैं दूसरों को तो आपको मतलब बाद में वो क्लोज करना पड़ता है, राइट? हाँ। तो ये तो फिर सेफ नहीं है कि कोई आम इंसान तो फिर इसे वैसे नहीं कर सकता। आपके घर के दरवाजे की तरह है ना, आप अगर रात को अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो कोई भी अंदर आएगा, राइट? चोरी भी हो सकती है या कोई स्ट्रेंजर भी आपके घर में आ सकता है ना। सो हमारे चक्रास हमारे दरवाजे हैं, हमारे बॉडी सेंटर्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, उनके डोर्स क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है। सो अपने आप सी इंटरनेट पे या कहीं पे भी हर टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है ना। अब डॉक्टर भी तो बताता है कि ऐसे ऐसे तरीके से सर्जरी होती है, तो हम अपने घर में अपने पेरेंट्स की या अपने लव्ड वंस की सर्जरी तो नहीं करते। हाँ, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो वीडियो को देख करके खुद ही बैठ के हील करना शुरू कर देते, तो ये बहुत जरूरी है उन्हें बताना कि हर कोई हील नहीं कर सकता, राइट? उनका एक प्रोसेस होता है, पड़ता है सीखना। जैसे हमने अभी फ्री हीलिंग के 2 लाइव वीडियोस दी, ऑब्वियसली आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर्स भी आपको फ्री रेमेडीज देते हैं कि जो एक ऐसी पिल्स है लाइक पैरासिटामोल, लाइक हेडेक की मेडिसिन है, वो आप खरीद सकते हैं, आप खुद से ले सकते हैं, दे कॉमन सिम्टम मेडिसिन। बट अगर किसी की सर्जरी होनी है, किसी का अल्सर होना है, किसी का ट्यूमर है, तो आप वो इंटरनेट पे देख के आप ऑपरेट नहीं कर सकते, राइट? इसी तरीके से रिचुअल्स जो किए जाते हैं वो उन्हीं लोगों से करने सही हैं जिनको इसकी नॉलेज है, उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस एक टाइम के बाद उसकी सिद्धि प्राप्त की। आप घर पे खुद से हर चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि ठीक है, अभी इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं सोचता कि भाई मुझे एक हीलर के पास जाके कराना चाहिए या पहले मुझे सीखना चाहिए, किसी को बहुत टाइम से थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ गए या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में इंसान चाहता है ना कि एकदम तुरंत, क्योंकि कहते हैं ना अगर आपको सुसाइड का कोई थॉट आ रहा है तो वो कुछ सेकेंड्स का काम होता है, राइट? तो ऐसे में कोई इंसान अपने आप को तुरंत अगर उसे हील करना है तो वो कैसे कर सकता है? इसका बहुत इजी तरीका है। आजकल सबसे पहले आप ऐसी जगह देखो जहाँ पे आप ग्राउंड से टच कर सकते हो अपने आप को, पार्क में जा सकते हो, बाहर बैल्कनी में, अपने बाहर बरामदे में बैठ सकते हो, जहाँ पे भी आप अर्थ को टच कर सकते हैं। आप अपने फुटवेयर रिमूव करके वहाँ बैठ जाएं, हो सके तो साइड में कपूर या कोई ऐसी चीज़, लौंग ले लें या कपूर ले लें, कोई चीज़ आप जिसका आपको थोड़ा थोड़ा स्मोक आए, जिसकी थोड़ी सी आपको खुशबू आए, जिससे आपकी एनर्जी थोड़ी काम डाउन हो, वो आप अपने साइड पे बर्न कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, वरना इट इज़ परफेक्टली फाइन। आपने क्या करना है, आपने विजुअलाइज करना है, सोचना है, क्योंकि हम बोलते हैं ना जो हम सोचते हैं वो हम मैनिफेस्ट करते हैं। आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अब आपको उसको कट करना है, राइट? आप उसको एनर्जी को हटाना है। आपने वहाँ पे अपने नेकेड फीट यानी कि बिना पाँव में कुछ पहने वहाँ ज़मीन को टच करके बैठना है, ओपन आर्म्स करनी है। अगर आपको ऐसे करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, यू जस्ट डू दिस लाइक अ कोमिंग टेक्निक। आप इसको इस तरीके से, जिस तरह आप कोम करते हैं, आप ऑरा में से उस एनर्जी को खींचिए। आप सोचिए कि आप उसको खींच रहे हैं और ले जाके अपनी बॉडी से होते हुए पाँव से नीचे ज़मीन पे रख दीजिए। ओके तो हम लोगों को ऐसे करना है पूरा हर तरफ से लाइक अ कोम, जैसे हम कंघी करते हैं तो अपने पूरे बालों में करते हैं ना, है ना, इसी तरीके से आपको इस तरीके से पूरी एनर्जी को आपको सोचना ये है कि जो ये सुसाइड वर्ड है वो ऐसे नीचे जाते जाते मेरे पाँव से नीचे ज़मीन में रिलीज हो गया। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करते जाएंगे, डीप ब्रीथ करते जाएंगे और साथ में इसको रिलीज करते जाएंगे। ये कौन सी हीलिंग होती है ऐसी? दिस इज द ऑरा टेक्निक। मैं आपको ऑरा बैलेंस, आपको एनर्जीज उस टाइम पे बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। और इसको वैसे कोम्बिंग टेक्निक बोलते हैं, ये रेकी का ही एक पार्ट है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं, वो और भी अच्छा है। आप क्रॉस लेग ज़मीन पे बैठ जाएं, आपकी लेग्स भी ज़मीन को टच करेंगी। आप जितनी एनर्जी ला रहे हैं अपने पाम्स को भी ज़मीन पे टच करते जाएं, एनर्जी को लाएं, उन थॉट्स को लाएं, उन वर्ड्स को देखें, वो वर्ड्स देखें, सुसाइड जो भी आपको नेगेटिविटी या हैवीनेस जो भी आपको महसूस हो रहा है, और आप उसको ज़मीन से टच करते जाएँ। आप देखोगे आप 7 टाइम्स to 9 टाइम्स करोगे ना, आपकी ब्रेथ बैलेंस होने लगेगी, आपकी शांत, जो आपको अशांत महसूस हो रहा है वो शांति आने लगेगी, और जो थॉट्स हैं वो उस टाइम के लिए टल जाएंगे आपके ऊपर से। ओके, यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी इन फुल मून ऑल्सो। जब एकदम अच्छे से एनर्जी हो बाहर, आप बैठोगे, जैसे ही आपकी वो, क्योंकि क्या है कि जो थॉट्स हैं वो क्या है, आपका माइंड है ना, जो आपको माइंड या आपके इमोशंस ला रहे हैं, यानी मून की एनर्जीज इम्बैलेंस हो रही हैं। आप मून की एनर्जीज में जब बैठ के ये करोगे तो हर फुल मून पे आप बैठ के इसको करना शुरू कर दो, 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी कि 7 डेज के लिए। जिस इंसान को ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, है ना, इमीडिएटली तो आपने एक्सरसाइज कर ली, ग्राउंडिंग कर ली, ग्राउंडिंग बोलते हैं, आपने ग्राउंडिंग कर ली, कोमिंग टेक्निक कर ली, आपने अपने आप को ग्राउंड कर लिया, स्टेबल कर लिया। बट लॉन्ग रन में कैसे इन चीज़ों से बचें, है ना। कईयों को पता होता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है, तो वो फुल मून से 3 दिन पहले, यानी पूर्णमासी से 3 दिन पहले और पूर्णमासी के 3 दिन बाद, यानी 7 डेज टोटल हो गए, उस एक्टिविटी को बाहर बैठ के फुल मून में करो। जैसे जैसे मून की एनर्जी बैलेंस होने लगेंगी, ऐसी थॉट्स, ऐसी एनर्जीज आपके माइंड में आनी बंद हो जाएंगी परमानेंट। ओके, तो जैसे हमने बात की अभी सुसाइडल थॉट्स के बारे में, तो ऐसी ही डार्क एनर्जीज का भी होता है। अगर मान लीजिए कि मैं कहीं ना कहीं फील कर रही हूँ, या कोई भी पर्सन फील कर रहा है कि उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई डार्क एनर्जी जो उसको परेशान कर रही है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो वो कैसे और किस उसे भी रेकी हीलिंग से ठीक किया जा सकता है? वो कौन सी हीलिंग करे, अपने आप को क्या हील करे? आजकल ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनर्जी आपको महसूस हो रही है। अपने आप हाँ आप उसको मैनेज कर सकते हो, बट अगेन कई बार ऐसा होता है कि हमें खांसी जुकाम है, हम उसकी दवाई खुद ही लेने लग जाते हैं घर में, बट वो बाद में स्वाइन फ्लू निकलता है या निमोनिया निकलता है ना, तो हमने उसको बिगाड़ लिया, हमने उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको आपके घर में या आपके आसपास महसूस हो रही है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको चेक करवाएं एक प्रॉपर प्रोफेशनल हीलर के ज़रिए। फेक जो लोग हैं या जो लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों से अपना बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस माइंडसेट के पास ना जाके पहले तो इस एनर्जी को चेक कराएं। देयर आर मशीन्स, ऑरा मशीन्स होती हैं, स्कैनिंग मशीन्स होती हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को चेक करके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बता देती हैं कि एनर्जी है भी या वो महसूस हो रहा है तो क्या महसूस हो रहा है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे यू नो चेक खुद से भी करके ट्राई करना है, तो आप एक उपाय कर सकते हो। संडे के दिन आपने 5 पान के पत्ते लेने हैं, ठीक है। अब अगर ये आपका दरवाज़ा है तो जो उसकी डंडी होगी वो आपके घर की तरफ होगी, और जो उसका लीफ है वो बाहर की तरफ होगा। आपने उसके ऊपर 5 पताशे रख देने हैं, उसके ऊपर आपने 2 लौंग रखनी है, 5 के ऊपर कपूर रखना है, और उसको बर्न करना है। उस समय करना है जब ना दिन हो ना रात हो, यानी कि 6-7 बजे के आसपास, शाम के टाइम, संडे को आपने उपाय करना है। आपने तीनों को एक साथ, 5 को एक साथ आपने बर्न कर देना है और जलने देना है। मुड़ के नहीं देखना, घर के आपने अंदर आ जाना है। आप दरवाज़ा खोल के करेंगे इस उपाय को। ओके, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि वो एनर्जी घर से बाहर निकल गई। कैसे आपको महसूस कर रहा है, आपको एहसास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल, जैसे आपको पता चला कि वो एनर्जी घर पे है या कोई चीज़ आपके घर पे है, आपको एहसास हो जाएगा कि वो एनर्जी रिलीज हो गई है। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने उस मोमेंट उस चीज़ को रिलीज़ कर दिया है तो वो दोबारा आएगी या नहीं आएगी। तो एक हीलर का सपोर्ट लेना जरूरी है आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस जरूरी है अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो। बट रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग बहुत इफेक्टिव है। ये स्पेस क्लींजिंग में भी काम करती हैं, ये हीलिंग्स में भी काम करती हैं, वास्तु डिफेक्ट्स हो उसमें भी काम करती हैं। लामा फेरा के बारे में जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम लोग बात करेंगे और आपने इसके बारे में मुझे बहुत सारी डिटेलिंग ऑफ कैमरा भी बताया था। तो लामा फेरा बेसिकली आप किस चीज़ के लिए इसको इस हीलिंग को यूज़ करते हैं? जैसे आपने कहा रेकी हीलिंग आप करते हैं तो वो बहुत सेफेस्ट है, ठीक है। आप किसी के लिए करें कि भी अगर वो नेगेटिव सोचेगा भी कि भाई से इसको इस तरह से यूज़ किया जाए नेगेटिव चीज़ के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। क्या लामा फेरा भी ऐसा है? लामा फेरा हीलिंग वर्ल्ड की फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी है अगर मैं बताऊँ, एंड इट इज़ लॉर्ड बुद्धा के थ्रू ये रूट की जाती है और 20 सेकंड्स में इसका आपको रिजल्ट मिलता है। इतनी फास्ट 20 सेकंड्स में कैसे पॉसिबल है कि आप कैसे मतलब सारे चक्रास को आप देख लेते हैं, फिर उसको किस प्रोसेस के थ्रू आप उसको ठीक कर पाते हैं तुरंत की तुरंत ही? लामा फेरा के सिम्बल्स बहुत फास्ट वर्क करते हैं। सो अगर मैंने एक इंटेंशन के साथ आपके ऊपर वो सिम्बल्स ड्रॉ किए हैं 20 सेकेंड्स के बाद अगर मैं उनको चेक करूँगी दे विल बी ऑल बैलेंस। वो 20 सेकेंड्स वही 20 सेकेंड्स होंगे जो सिम्बल्स ड्रॉ करने में मुझे आपके ऊपर टाइम लगेगा। सो ये हमने अपनी मशीन्स पे भी चेक किया है। वी हैव ऑरा मशीन्स एंड स्कैनिंग मशीन्स जो आपके चक्रास या आपके प्लैनेट्स बिफोर मेकिंग द सिम्बल्स और आफ्टर मेकिंग द सिम्बल्स, अगर पहले बनाने से पहले आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं, आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस्ड हैं, आफ्टर मेकिंग द सिम्बल्स वो जो मेरे को 15 से 20 सेकेंड लगेंगे उसके बाद दे आर अलाइंड। ओके, सो इट वर्क्स वेरी फास्ट क्योंकि जो उसके सिम्बल्स हैं शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन है, काली माँ का कॉम्बिनेशन है, उनके सिम्बल्स हैं। सो बहुत बहुत पावरफुल सिम्बल्स हैं। अच्छा, तो ये जैसे आपने कहा ना कि रेकी किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ नहीं की जा सकती है, तो लामा फेरा भी कोई पर्टिकुलर किसी सिर्फ बीमारी के लिए किया जा सकता है, इमोशनल चीज़ के लिए किया जा सकता है, डार्क एनर्जीज के लिए किया जा सकता है, हर चीज़ के लिए? ये लामा फेरा सब चीज़ों के लिए काम कर सकता है। उसकी सबसे बिगेस्ट पावर या स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूँ तो ब्लैक मैजिक, एंटिटीज़, हॉन्टिंग्स, पोजेशंस, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए बहुत पावरफुल है। इसके मेथड्स यहाँ तक कि किसी की फैक्ट्री, मैंने पीछे एक केस किया था सोनीपत में, किसी की फैक्ट्री थी एंड शायद आप उस लिपस्टिक ब्रांड को भी जानते होंगे। इट इज़ अ वेरी नोन नेम इन द इंडस्ट्री। बीच में उनका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा था क्योंकि उनकी टेरेस पे जो छत थी फैक्ट्री की वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही थी जिससे ये समझ आ रहा था कि कोई कुछ वहाँ पे की गई हैं चीज़ें। तो जब हमने वहाँ पे स्कैनिंग की और आपने कहा छत पे ऐसी चीज़ें, मतलब क्या? वहाँ पे कुछ कैट्स मिल रही थी जिनके डेड कैट्स मिल रही थी जो पूरी ब्लीड कर रही थी विद रेड क्लॉथ टाइड अराउंड देम। तो बहुत ऐसी कुछ चीज़ें मिल रही थी कि पूरा लाल कपड़ा कैट के आसपास बंधा हुआ था, ऊपर बहुत क्रियाएं करके वहाँ पे डाला गया था उनको। अच्छा। तो उनका बिजनेस बिल्कुल डाउन जा रहा था और वहाँ पे हमने लामा फेरा के 9 सेशंस के अंदर उन एनर्जीज़ को बैलेंस किया, उन एनर्जीज़ को हटाया विद इन 9 सेशंस, मतलब 9 दिन। नवरात्रि में ही हमने उनका अभी पीछे लास्ट ईयर नवरात्रि में उनका हमने ये रिमूवल किया था। तो 9 दिन नवरात्रि के और उनका काम भी चलने लगा, जो भी चीज़ें थी। इनफैक्ट इतना पावरफुल होता है लामा फेरा कि जब हमने वो कट की एनर्जीज जो उनके ऊपर ये चीज़ करवा रहा था उनका राइवल, वो सामने से आ गया और वो उनके सामने आ गया, पता लग गया कौन करवा रहा था। और इनफैक्ट फिर उसको कुछ प्रॉपर्टी का, कुछ बिजनेस का ही इशू था, उनका कोई पुराना पार्टनर था, तो फिर उसको फिर हमने हटाया, उन एनर्जीज़ को हटाया एंड वो इंसान भी सामने आ गया हीलिंग्स के ज़रिए कि कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था और क्या हो रहा था। तो लामा फेरा इस की स्पेशलाइजेशन तो नहीं बोलूँगी बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो इस टाइप की नेगेटिविटी को या इस टाइप की एनर्जीज़ को हटा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लामा फेरा हमारे कार्मिक इश्यूज़ पे, पास्ट लाइफ इश्यूज़ पे काम कर सकता है। अगर कोई पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स हैं, एडिक्शंस हैं या आपके जॉब में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बार बार जॉब जा रही है, शादी नहीं हो रही, मतलब कुछ रेकरिंग पैटर्न्स हैं, उनको हील करने में लामा फेरा हमारी हेल्प करता है। लामा फेरा इज़ ऑल्सो हीलिंग मेथड ओनली, तो वो हर टाइप कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सकता है। मैं समझती हूँ कि हर चीज़ को ठीक करने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ये भी हीलिंग की होगी आपने, ये भी हीलिंग, तो क्या लामा फेरा एक पॉसिबल है कि उससे हर चीज़ एकदम बिल्कुल सही हो जाती है? लामा फेरा से हर चीज़ बिल्कुल सही हो जाती है, पर नंबर ऑफ सेशंस हो सकता है इंक्रीज हो जाए। अच्छा। अगर हम सिर्फ लामा फेरा को यूज़ करें, अगर हम, क्योंकि मुझे बहुत सारी मोडालिटीज़ आती हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारे मंत्रों की सिद्धियां हैं, मैंने महाविद्या भी सिद्ध की हुई हैं, तो हम जब एमैलगमेशन में मतलब सबको जोड़ के इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने हीलिंग्स दी तो हमने रेकी, एंजल्स और लामा फेरा को मिला के किया, तो वो एक स्ट्रॉन्ग हमने एनर्जी क्रिएट की, है ना। तो हम जब मिला के करते हैं तो नंबर ऑफ सेशंस रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ लामा फेरा से करना चाहें तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हो सकता है शायद वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगे या एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो। ओके, लामा फेरा से ही रिलेटेड कोई ऐसा केस जो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि केस से ना लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं उस हीलिंग को, उसकी पावर को, तो लामा फेरा की कोई ऐसे आपका कोई केस ऐसा लगा हो आपको कि बहुत डेंजरस था लेकिन फाइनली इसी ही हीलिंग से वो ठीक हुआ? ऐसा एक मेरे पास केस था, एक क्लाइंट थे मेरे, जयपुर की साइड थे वो, जयपुर में थे वो, उनके जो घर के अंदर जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे अपनी बेटियों के साथ, अंकल और उनकी डॉटर्स, मदर और ग्रैंड मदर उनकी जयपुर में ही एक नियर बाय विलेज में ही थे वो। तो जो उनका एंसेस्ट्रल लैंड था, ऐसा सुनने में आता था उनको कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब अगर वो कोई भी काम खोलते थे, बिजनेस खोलते थे, वहाँ उनको लॉसेस ही होते थे, और जितने भी एफर्ट्स कर लें, पूजा कराई, सब कुछ हवन भी कराया, सब कुछ, वो टेम्परेरी रिलीफ मिलता था वो उस जगह, और वो चाह के वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं पाते थे, मतलब वो प्रॉपर्टी बिकती ही नहीं थी। और तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लोकेशन चेंज कर ली, वो वहाँ से अपनी बेटियों को, क्योंकि बेटियाँ भी वर्किंग एज में पहुँच गई थी, और वो खुद भी अंकल यहाँ आके सेटल हो गए। यहाँ पे भी उन पे पैसों का कर्जा चढ़ता रहा, और पैसे मतलब काम यहाँ पे भी आके नहीं चला। तो फिर जब एनर्जीज हमने चेक करी तो उस लैंड की एनर्जीज इम्बैलेंस थी, जो उस पुराने घर की लैंड की एनर्जीज थी वहाँ पे इम्बैलेंस था। तो हर घर का एक एनर्जी होती है, वास्तु पुरुष होता है ना। तो वहाँ जो एनर्जीज थी वो इस तरीके की थी कि जैसे बोलते हैं अनहैप्पीनेस थी, शायद जब वो घर बना तो प्रॉपरली वहाँ पे पूजा नहीं हुई या स्थापना नहीं हुई, तो वो एनर्जी कभी भी किसी को भी बढ़ने नहीं देती थी आगे वो, और ना वो बेचते बिक रहा था। तो फिर सिर्फ लामा फेरा के सेशंस के जरिए हमने उस वास्तु की जो इशू था उसको क्लोज किया, यानी कि उसको हील किया। वो वास्तु प्लस नेगेटिव एनर्जी का ही इशू था। शायद कभी बहुत 100 साल 150 साल पहले उस लैंड के नीचे कोई रहा होगा, या मतलब वहाँ पे कोई रहा होगा जो वहीं पे ही दब गया और ऊपर घर बन गया। तो वो घर, वो एनर्जी थी, बट वो किसी को ना कभी दिखी, ना उसने कभी किसी को डिस्टर्ब किया। हाँ, बट इट्स जस्ट दैट कि वो उस लैंड को बिकने नहीं दे रही थी और बरकत नहीं आ रही थी, जो भी वहाँ रह रहा था उसको बरकत नहीं थी। तो फिर हमने सिर्फ लामा फेरा यूज़ करके उसको हील किया। नॉर्मल लामा फेरा के सेशंस तो 3 महीने चले। इन अपार्ट फ्रॉम दैट जो बंधन मोक्ष था, क्योंकि वहाँ पे उस लैंड पे उस एनर्जी का बंधन जुड़ा हुआ था ना, वो वहाँ पे अटकी हुई थी। तो बंधन मोक्ष क्रिया के जरिए उस एनर्जी को रिलीज करा गया। लामा फेरा की एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं, और उसके जरिए हमने वो लैंड को हटाया वहाँ उस एनर्जी से, साथ ही साथ उस लैंड की शांति, यानी कि उस लैंड में। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है आकाशिक रिकॉर्ड्स का। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ लोगों के होते हैं, मतलब हमारे पास्ट लाइफ रिकॉर्ड सिर्फ लोगों के होते हैं। ऐसा नहीं होता, एनिमल्स के, लैंड के, जमीन के भी रिकॉर्ड्स होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स के भी होते हैं? यस। जो लैंड है वो वहाँ सालों से है, सदियों से है। आप अब रहने आए हो, बट वो लैंड तो एग्जिस्ट कर रही है ना। वहाँ पे अलग अलग लोग आके रहे, किस तरीके की एनर्जीज वहाँ पे हैं। तो जो एक घर होता है, एक लैंड होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसका भी रिकॉर्ड होता है। तो क्यों वो लैंड डिस्टर्ब्ड है या क्यों वो रिकॉर्ड डिस्टर्ब्ड है, हमने जो रीजन था वो आकाशिक रिकॉर्ड से निकाला और उसको हमने हील लामा फेरा से किया। अच्छा, ये आकाशिक रिकॉर्ड मैंने भी इसका सुना है कि इसमें पूरे सोल के पूरे चैप्टर्स खुलते हैं, पास्ट लाइफ के भी, कि क्या प्रॉब्लम थी कि उन्हें इस जन्मा में वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, राइट। तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानना चाहूँगी कि क्या करते हो आप इसमें और कैसे, क्योंकि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता होगा तो डेफिनेटली आप उतना ही देख पाते होंगे जितना वो परमिशन देता होगा, राइट। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं तो हमें उसकी परमिशन चाहिए उसका सवाल चेक करने के लिए। हम कितनी बुक्स खोलें उसकी परमिशन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि मेरे को एक हेल्थ इशू आ रहा है और बहुत टाइम से मैं हील करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने हीलिंग्स भी करी हैं, पूजा भी करी है, प्लानिटरी पोजिशंस भी ठीक हैं, बट ये चीज़ हील नहीं हो रही। तो हम रिकॉर्ड्स में जाके चेक करेंगे कि क्या कारण है कि आपको वो पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू आ रहा है। अब उसके लिए 5 किताबें भी खुल सकती हैं, उसके लिए 10 बुक्स भी खुल सकती हैं। वो कहाँ तक कनेक्टेड है ये देखना एक हीलर की काम है, और वो कहाँ तक देखता है ये भी डिपेंड करता है। कई बार रिकॉर्ड्स जब हम आकाशिक सेशन करते हैं तो वो 1-1.5 घंटे का सेशन रहता है। आप ट्रांस में जाते हो, आप ट्रैवल करते हो आकाशा में, फिर लाइब्रेरी में आप बुक्स को ओपन करते हो, आप सर्च करना स्टार्ट करते हो, आपके सामने इन्फॉर्मेशन खुलती है, कई बार वहाँ से रेमेडीज भी निकल के आती हैं। तो जितनी हमें परमिशन चाहिए होती है उस सवाल को देखने की। कितनी बुक्स खुलेंगी ये हम में से कोई भी नहीं बता सकता। किसी सवाल के लिए 5 किताबें खुलती है तो किसी सवाल के लिए सिर्फ एक ही खुलती है, और किसी के लिए खुलती ही जाती हैं जो उसकी पास्ट लाइफ की होती हैं। तो हर इंसान का अलग रिकॉर्ड है, अलग एनर्जी है और अलग कनेक्टेड बुक्स हैं। तो जब जैसे कोई आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेके तो पहले आप ये जज करते होंगे ना इसके साथ कौन सी वाली हीलिंग करनी है, राइट। उसमें तो कहीं ना कहीं वास्तु भी बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा आप जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आपके सामने लेके आया, राइट। आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते भी होंगे डेफिनेटली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप, और या फिर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एक ले लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम डाइवोर्स केसेस का, राइट। तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, डाइवोर्स केसेस तक बात चल रही है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि इस केस के लिए कौन सी हीलिंग आप यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी से चेक करती हूँ कि अभी इसका क्या ईयर चल रहा है, पर्सनल ईयर क्या है, इसकी एनर्जीज क्या है, दोनों के नाम आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो एक न्यूमरोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल चेक होता है देखने के लिए कि क्या दशा, क्या महादशा, क्या एनर्जीज चल रही हैं, न्यूमरोलॉजिकली ये कहाँ हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं, डिवोर्स के चांस है भी या नहीं। फिर एक नॉर्मली हम एक छोटी सी रीडिंग करके टैरो के जरिए या एक साइकिक चैनलिंग करके चेक करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें यूनिवर्स दे रहा है। अगर वो पास्ट लाइफ इशू से जुड़ा आ रहा है तो हम आकाशिक सेशन रेकमेंड करते हैं। अगर वो आपस का कोई प्रेजेंट टेम्परेरी फेज़ है तो हम उसको रेकी से हील कर सकते हैं, एंजल से हील कर सकते हैं, कैंडल मैजिक स्पेल कास्टिंग से हम उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। कुछ उपाय हो सकता है कि सिंपल रेमेडीज़ भी उनके लिए काम कर जाएं। ये भी हम उनसे साथ ज़रूर पूछते हैं कि आपके घर में अगर फॉर एग्जांपल उनकी आपस में रिलेशनशिप को लेके इशू आ रहा है, इन द सेंस कि पर्सनल कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, थॉट प्रोसेस तो मिल रहा है बट पर्सनली नहीं मिल रहा, तो हम उनका साउथ वेस्ट चेक करते हैं कि साउथ वेस्ट में क्या रखा हुआ है, कलर्स क्या यूज कर रहे हो वहाँ पे। तो वास्तु भी फिर यहाँ पे आ जाता है। तो इट इज बेसिकली एन अमेलगमेशन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग कि किसके लिए क्या फिट है। जैसे मेरे पास एक केस आया था, वो हस्बैंड वाइफ का बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप था, हस्बैंड वाइफ को बहुत हिट करता था, मारता पीटता था। तो जब वो मेरे पास आई तो उसने मुझे बोला कि आप स्पेल कर दो मेरे हस्बैंड के कि ये मेरी बात माने, और आप डोमिनेशन स्पेल कर दो, लव स्पेल कर दो, अट्रैक्शन स्पेल कर दो, कुछ भी कर दो कि ये मेरी बात को माने, या फिर कुछ ऐसा दे दो, कर दो कुछ ऐसा कोई उपाय जिससे ये मेरे काबू में हो जाए या हमारे बीच में मुझे मारे ना एटलीस्ट, यू नो। वो हिट करता था, उसको बहुत 2 बेटियां थी बहुत खूबसूरत, और ये डेली कैंट का केस है। तो मैंने उसको सजेस्ट ये किया कि हम एक आकाशिक, क्योंकि आई एम अ साइकिक, बेसिकली आई एम अ साइकिक कि आई कैन सेंस द एनर्जी। तो मैंने उससे ये बोला, मैंने कहा स्पेल नहीं करेंगे इसके अंदर, ना हीलिंग्स करेंगे, पहले एक बार आकाशिक रीडिंग करके चेक करते हैं कि इशू कहाँ है, मतलब रूट कॉज कहाँ से आ रहा है। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं करना, आप बस स्पेल कर दो। मैंने कहा बेटा लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज द इशू। तब जब आकाशिक रीडिंग्स की तो उसमें यह आया कि जो हस्बैंड है वो पास्ट बर्थ में उसकी वाइफ था और वो खुद एक बहुत अब्यूजिव हस्बैंड थी लेडी। तो वो अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती थी, सिगरेट बर्ड्स मतलब उसको जलाती थी, मतलब हर तरीके का फिजिकल टॉर्चर उसको दिया करती थी। और लास्ट में उसने जो मैंने देखा उसने एक बॉटल उसके मुंह में फंसा के बॉल उसके मुंह में हिट करी जो गले में जाके वो उसकी ऑन दी स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो वो इस बर्थ में उसका हस्बैंड बन गया, बहुत अब्यूजिव हस्बैंड, और वो उसकी वाइफ। तो कहीं ना कहीं वो जो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था वो अभी इन्होंने, या जो एंगर थी जो वो अब नहीं दिखा पाया, वो गुस्सा वो उस पर निकालता था एज अ रिवेंज। तो वहीं से एक रेमेडी आई पास, हमने आकाशिक चैनलिंग से ही रेमेडी आई कि जो नीले रंग के फूल होते हैं उसको निचोड़ के उसका नेक्टर निकाल के, मतलब उसका रस निकाल के शिव जी और पार्वती जी को अपने घर में स्थापित करें, अच्छे से उनका तिलक करें उस रस से और खुद भी अपना तिलक करें, और फॉरगिवनेस यानी कि शिव जी और पार्वती जी से माफ़ी मांगे कि जो भी मैंने पास्ट में कर्मा किया है उसकी फॉरगिवनेस मांगे। ओके। एंड तकरीबन 3-4 महीने बाद उसने अपना पार्लर ओपन किया, ये रेमेडी। और उस मुझे फ़ोन आया मुझे कहने के लिए कि मैम मैं हैरान हूँ कि मतलब आपने मुझे स्पेल नहीं करने दी, आपने मेरी हीलिंग नहीं करी और आपने मुझे एक रेमेडी दी, मैं सिर्फ एक रेमेडी कर रही हूँ और मेरे दिमाग में पार्लर खोलने का कोई विचार नहीं था, मुझे नहीं खोलना था। मैंने एक पार्लर खोला है, वो बहुत अच्छा चल रहा है मैम, मेरे घर में बहुत खुशियाँ और मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ और भी कर रही हो, कोई और उपाय कर रही हो? उसने कहा नहीं मैम मैं कुछ नहीं कर रही, आपने जैसे बोला था मैं पिछले 4 महीने से वैसे ही करें। वो फॉरगिवनेस वाला ना, वो फॉरगिवनेस, शंकर जी से और पार्वती जी से माफ़ी, और वो जो नीले फूल का निचोड़ के वो उस रस से उनका तिलक करी थी और अपना भी बाद में। वो इस एक उपाय जो आकाशिक रीडिंग से डाउनलोड, साइकिक चैनलिंग से डाउनलोड हुआ, उसने उसकी लाइफ बदल दी। आज की डेट में उसके 12 पार्लर्स हैं दिल्ली NCR में और बाहर भी। अब वो बाहर खोलने की सोच रही है, ट्रेनिंग्स देनी उसने शुरू कर दी हैं। तो शी इज़ लाइक कि मैम आपने मेरी लाइफ बदल दी है, क्योंकि कहाँ मैं इस चीज़ से परेशान थी कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते पीटते हैं और आज की डेट में वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मेरे काम में भी जहाँ मैं तो हाउसवाइफ थी, क्योंकि वो आर्मी पर्सनल की वाइफ थी, वो शी वॉज अ हाउसवाइफ की थी, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कहाँ मैं इतनी अच्छी करियर वुमन बन जाऊँगी और उसमें मेरे हस्बैंड से भी मुझे सपोर्ट मिलेगी। तो जो क्लाइंट सामने है वो उसको देख के जो एनर्जी महसूस होती है मैं उसके ज़रिए जाती हूँ कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको स्पेल्स चाहिए, इसको हीलिंग चाहिए, या सिर्फ इसको उपाय चाहिए, इसको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने जैसे फॉरगिवनेस की बात की थी, अभी मैंने भी जब पॉडकास्ट किए थे तो उसमें भी पास्ट लाइफ के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये सार मैंने एक चीज़ इसमें समझी है कि आपको फॉरगिव करना आना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपका उसके साथ कनेक्शन कितने जन्म रहा है पिछले, या फिर आपका क्या कनेक्शन उनके साथ रहा है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसे जैसे आपने कहा कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या कोई भी आपके साथ बुरा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे माफ़ करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, राइट। और ये वाली चीज़ आपने मुझे बताई है, एंड मैं भी अपने दर्शकों से ज़रूर कहूँगी कि वो इस टेक्निक को तो एटलीस्ट वो करे ही करे। आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात की, जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करती हैं तो आपकी उस टाइम पे क्या स्टेज होती है, क्या कौन सी मेडिटेटिव स्टेज होती है कि आप क्या थॉट्स उस टाइम क्रिएट करते हैं कि आप उस ट्रांस में चले जाते हैं? हम मेडिटेशन के ज़रिए ही जाते हैं, इसको ट्रांस स्टेट कहते हैं, कि ना आप उठे हुए हो ना आप सोए हुए हो, इट इज़ अ ट्रांस इन बिटवीन स्टेज, है ना। और उसको गेन करने के लिए हम मेडिटेशन के ज़रिए ही जाते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब हमें बिल्कुल समाधि लगा के बैठना है, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं होता। जब हम धीरे धीरे एक प्रैक्टिस में लाते हैं उसको, तो जैसे ही वी क्लोज अवर आइज वी स्टार्ट ट्रांसेंडिंग टू दी अदर लेवल्स। हम अलग, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हो अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, सो आई नीड ओनली 2 मिनट्स टू गो टू दैट स्टेट वेयर आई कैन गो एंड ओपन दी बुक्स। खोलने के लिए चैनलिंग प्रेयर्स होती हैं, टनल्स होती हैं जिसको हम क्रॉस करते हैं, सबके देयर इज अ प्रेयर जिसको आप बोलते हैं पाथवे प्रेयर, उस पाथवे यानी कि पाथवे आपका रास्ता, वो प्रेयर बोलते ही यू स्टार्ट मूविंग अप एंड सेकंड्स यू आर देयर, यू स्टार्ट ओपनिंग द बुक्स एंड यू स्टार्ट रीडिंग इट. वो एक प्रैक्टिस के जरिए, वो कुछ मिनटों का वो है. इसमें कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी बॉडी पे या फिर आपके मेंटल लेवल पे, क्योंकि आप खिलवाड़ कर रहे हैं. हम लोग खिलवाड़ क्या कहेंगे कि मतलब आप उस एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट. और उनके साथ जब आप कनेक्ट होते हो तो डेफिनेटली कुछ तो इम्पैक्ट आप पे भी आता होगा, फिजिकली या फिर मेंटली. हम वहाँ पे एक चैनल बन के जाते हैं, हम एनर्जी बन के नहीं जाते. तो जब एक चैनल है, एक पाइप है, उसमें से पानी निकल रहा है तो पाइप तो इंटैक्ट है. इसी तरीके से जब हम चैनलिंग करते हैं तो जब हम ये सोच के जाते हैं कि हम चैनल हैं तो हमें इम्पैक्ट नहीं आता. जब हम खुद अपने आप को सोचने लग जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तब आप अब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं. जब तक आप चैनल बने रहेंगे, जब तक आप मीडियम बने रहेंगे, आपको इफेक्ट होने के चांसेस बहुत मिनिमल रहते हैं. और अगर हम ये बोलें, जैसे आपने इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है खिलवाड़, इट इज नॉट खिलवाड़, बिकॉज अगर आप देखें पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि भी हुआ करते थे, और ये जो टेक्निक है ना आकाशिक रीडिंग, तो आप आज कहने लगे हो, ये हमारे पास तब से है हमारे अपने संस्कृति में, जब राजा हिरण्यकश्यप हुआ करते थे. उस जमाने से ये टेक्निक है, और जो थे वैदिक मेथड्स में भी है आकाशिक करना. तो मैं जब आकाशिक रीडिंग्स सिखाती हूँ या करती हूँ तो उसकी खासियत यही है कि मैं मॉडर्न वे सिखाती हूँ जो पाथवे प्रेयर के जरिए है, और वैदिक वे जो पुराने हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदास में लिखा हुआ है, कथित है. तो जो हिरण्यकश्यप राजा था, उसको जो उसके वहाँ पे उसकी प्रजा, जो उसके राज्य में जो मंत्र थे, पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि गुरु जी थे, तो कि आपकी लाइफ बहुत कम है या कुछ ऐसे आपको प्रॉब्लम आने वाली है. तो जब उससे उनसे उपाय पूछा गया तो उसका उपाय ये था कि इनका रीबर्थ हो. अच्छा, हिरण्यकश्यप का. तो रीबर्थ का क्या तरीका था? फिर उन्होंने क्या किया, एक हिरण्य गर्भ बनाई. हिरण्य गर्भ इसीलिए उसका नाम है. एक एग शेप बनाई जिसके अंदर उसके खाने, उनके राजा का खाने पीने का सामान, मतलब वो सब डाल दिया. ओके. और उसके बाद वो राजा जो थे हिरण्यकश्यप थे, वो उसके अंदर हिरण्य गर्भ के अंदर चले गए. और तब जो पंडित जी थे या जो भी उस टाइम गुरु थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने हवन करना स्टार्ट किया. तो उन्होंने जब हवन किया तो कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण वहाँ पे था जो उनको वहाँ ले जाके उनकी एनर्जी को वहाँ से वापस ले आए. तो आकाशा में जाने की प्रथा और वहाँ से गर्भ से दोबारा जन्म लेने की प्रथा तो हमारे वेदास में भी है. तो ये आज का कुछ नहीं है कि हम वहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं. इट इज अ मेथड वेयर यू आर एक्सेसिंग द एनर्जीज. जो मंत्र हैं, जो सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स कहाँ से आए हैं? वो किसी ने डाउनलोड किए हैं, है ना. हम ये बोलते हैं ना कि ये चैनल्ड है सिंबल, तो डाउनलोड कहाँ से होता है? वो आकाशा से ही तो डाउनलोड होता है. वो आकाशा से कैसे डाउनलोड होता है? जब हम उन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो वो सिंबल्स हमें दिखते हैं. जैसे रेकी के सिंबल्स, कार्मिक रेकी के सिंबल्स, हीलिंग सिंबल्स, यहाँ तक कि आप मुझे बताओ कि जो हम वैदिक सिंबल्स यूज़ करते हैं वो कहाँ से आए हैं? शास्त्रों से. मतलब वो उसमें कहाँ से आए? ऊपर से ही, जैसे कि. तो फिर छेड़छाड़ तो पहले से ही हो रही है. ये बात भी है, बिल्कुल. अभी जैसे हम लोग, एक नॉर्मल इंसान का भी कहीं ना कहीं ये सोचता ही है कि जैसे रेकी हीलिंग आ गई, लामा फेरा, इतनी सारी हीलिंग्स अब हम लोग सुनने लगे हैं सोशल मीडिया के थ्रू. पहले क्या होते थे, पूजा हो गया, हवन हो गया, सारी चीज़ें खत्म हो गई है, कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं, कोई इतने इश्यूज़ नहीं. लेकिन जितनी जितनी ये चीज़ें बढ़ रही हैं हीलिंग्स की, मतलब क्या बोलें कि जितनी चीज़ें अवेलेबल है उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं. तो ये प्रॉब्लम्स तो पहले भी थी, लेकिन किसी को हीलिंग्स का इतना पता नहीं था. लेकिन आज हीलिंग्स भी है, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है, तब भी इंसान हील नहीं हो पाता है. हीलिंग्स तो कब से हैं? जो अगर हम रेकी हीलिंग की बात करें तो वो कब से है? वो 100-150 साल पुरानी है. लामा फेरा हीलिंग भी बहुत पुरानी हीलिंग मोडालिटी है. अगर मैं कैंडल मैजिक की भी बात करूँ ना, अगर आप मैजिक वर्ड तो आप आज सुन रहे हो, ठीक है. अगर मैं स्पेल कास्टिंग की बात करूँ तो वो तो आप अपने घर में बच्चा पैदा होते ही शुरू कर देते हो. बताओ कैसे? आप जब कैंडल लगाते हो उसके केक पे, आप उसे क्या बोलते हो? क्लोज योर आईज, मेक अ विश एंड ब्लो द कैंडल. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मैनिफेस्टिंग वाया अ कैंडल, है ना? तो इसका मतलब ये तो कब से चल रहा है. आप मुझे बताओ, जब आप दिए जलाते हो, दीपक जलाते हो दिवाली पे, तो आप क्या प्रे करते हो? घर में सुख शांति बनी रहे, माँ लक्ष्मी आए घर पर. तो दीपक ही उसी दिन क्यों जलाते हो? उस दिन त्योहार है. क्यों है? क्योंकि आप उस दिन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो. कैंडल और दिया, आप क्या कर रहे हो? दिया भी तो आप फायर और वो अर्थ एनर्जी और सब एनर्जी, स्क्वायर एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो. कैंडल आप दिए कब से जला रहे हो? जब राम जी घर आए थे. तो ये हीलिंग कब से चल रही है? तभी से. तो हीलिंग्स आज की नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, क्योंकि अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, तो वो चीज़ें अब स्प्रेड होने लगी हैं, आपके सामने आने लगी हैं. हवन में भी क्या आप करते हो? आप दिए में भी तो आग जला रहे हो, मोमबत्ती में भी आग जला रहे हो, हवन में क्या कर रहे हो? उसमें भी आग ही जला रहे हो. राइट. तो फिर आप उससे प्रे क्या कर रहे हो? जो आप मंत्र बोल रहे हो उससे आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो? कि मेरे फादर की तबीयत ठीक हो जाए तो माँ मृत्युंजय करा लो, मेरे घर में हमने गृह प्रवेश किया है तो एनर्जी क्लीन करनी है तो हम उसका जाप करा रहे हैं. यानी कि आप वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी तो एक हीलिंग ही तो कर रहे हो आप. बस आप उसको नाम अलग दे रहे हो. जैसे कैंडल्स हैं, या फिर हम हीलिंग्स मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो जो बाहर के लोग हैं वो कैंडल्स तो चर्च में शुरू से जलाते आ रहे हैं, चलाते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जब वो कैंडल को रखते हैं दे say their wish or they manifest or they do prayer, right? तो वो कैंडल तो सदियों से जला रहे हैं. हमारे यहाँ पे हम मंदिर में दिया जलाते हैं, वहाँ पे वो कैंडल जला रहे हैं. तो हीलिंग तो आप शुरू से कर रहे हो, तो वो नई नहीं है. इट्स जस्ट दैट उसके वर्ड्स बदल गए हैं, उसको कहने का जरिया या उसको एक्सप्रेशन उसका बदल गया है. ये सब चीजें तो हमारे आसपास हमेशा से थी. एक आम इंसान सबसे पहले अपना, अगर वो खुद को हील करना चाहता है तो उसका पहला एक्शन या पहला मैं बोलूँगी कि थॉट क्या होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए? जैसे वो फील कर रहा हो या बहुत अपने आप को डिप्रेस्ड या बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हो कि पता नहीं बस हो रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या अपने आप को कैसे तुरंत हील कैसे करे, किस प्रोसेस से करे? सबसे पहले अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना चाहिए. अगर हमें कोई हीलिंग भी करनी है तो हम किस उम्मीद से जा रहे हैं वहाँ पे कि मेरा ये काम हो जाएगा. यानी कि आपने वो माइंडसेट अपना पॉजिटिव किया. आप मेरे पास आए हो कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैम आप मेरे कार्ड्स देख दो, मेरा नेम चेक कर दो, सिग्नेचर चेक कर दो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए. यानी कि आपने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया कि मुझे जॉब चाहिए. तो अगर आप घर पे परेशान हो तो सबसे पहले नीड क्या है? टू चेंज योर माइंडसेट टू व्हाट यू डिजायर, विच इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, है ना? व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? इट इज मैनिपुलेशन ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स इनटू अ पॉजिटिव थॉट्स सो दैट यू अचीव व्हाट यू डिजायर इन योर लाइफ. इट इज इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, है ना? हम उसको घुमा के अच्छे अच्छे वर्ड्स में भी कह सकते हैं, बट मैनिफेस्टेशन इज ऑपोजिट ऑफ your negative thoughts so that you achieve what you desire. So opposite of your negative thoughts is positive thoughts. You get positive thoughts to get what you desire. अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो मैं किस उम्मीद से जा रही हूँ? इस उम्मीद से नहीं जा रही कि वो मुझे कहे कि आप मरने वाले हो 4 दिन बाद. मैं इस उम्मीद से जा रही हूँ कि वो जब मेरे टेस्ट देखे तो वो मुझे बोले कि मैं बिल्कुल ठीक होने वाली हूँ, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, चाहे मेरे को छींकें आ रही हैं, जुकाम हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ डॉक्टर कह दे कि मैं सही हूँ. तो ये बात मैं खुद क्यों नहीं कह सकती अपने आप को कि मैं सही हूँ? वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लगता है कि हाँ सामने वाला बोलना चाहिए. तो यही तो करने की ज़रूरत है कि आपको कोई और क्यों चाहिए ये बताने के लिए कि आप खुश हो, या आपको कोई और क्यों चाहिए कहने के लिए कि मैं ये जॉब पा लूँगी, या कोई और क्यों चाहिए? व्हाई डू यू नीड अनदर पर्सन? वो आपसे ज़्यादा कैपेबल है. जितनी बेटर सिचुएशन आप खुद जानते हो, सामने वाला इतना नहीं जान सकता, है ना? हाँ. तो जब हम हीलिंग्स करते हैं, जब हम स्पेल्स करते हैं ना, तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि आप ये बिलीव करो आज से कि आपका काम हो गया है. यानी कि हम उसका यहाँ से हीलिंग भी तभी काम करेगी जब वहाँ से माइंडसेट शिफ्ट होगा. डॉक्टर क्या बोलता है? मैं दवाई दे रहा हूँ, बट अगर पेशेंट ही नेगेटिव है तो वी कांट डू एनीथिंग. पेशेंट ऑल्सो हैज़ टू रिस्पॉन्ड, है ना? पॉजिटिव होना पड़ेगा. तो हम खुद ये कर सकते हैं कि हम ये सोचें कि हम वहाँ पे उस अच्छी सिचुएशन में ऑलरेडी हैं. यू नो, यू कैन अफर्म वॉट यू डिज़ायर. व्हेन यू स्टार्ट अफर्मिंग, योर वर्ड्स बिकम योर पावर. आपको पता है दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? हमारा माइंड, हमारी टंग। अच्छा, हमारा माइंड ने सोचा, बट उसको क्रिएट कौन करेगा? टंग, क्योंकि वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी सोच के। सबकॉन्शियस माइंड ले आया जो उसको अट्रैक्ट करना है। जैसे आपने मन में सोचा मेरे घर में सुख शांति हो, बट उसको करने के लिए आप मंत्रोच्चारण करते हो रोज शाम को दिया जला के, यानी कि आप उस फ्रीक्वेंसी को भी क्रिएट कर रहे हो। सो द मोस्ट पावरफुल टूल इज आवर टंग प्लस माइंड ऑल्सो। बट जो हम बोलते हैं वो हम पाते हैं। हमारे माइंड ने तो सोचा मुझे जॉब चाहिए, बट मेरी टंग बोलती है कि मुझे तो मिल ही नहीं सकती। अगर एक इंसान बोलता रहेगा मैं, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, तो उसका ऑरा ऑटोमेटिकली डिप्लीट होने लगेगा, ऑरा में गैप्स होने लगेंगे और डेफिनेटली वो बीमारियां पाने लगेगा। एक इंसान है, लाइक आई गिव माय एग्जांपल, मेरे घर में एक एल्डरली है, ही इज 82 years old, ओके, और वो पार्क में जाके बाकी लोगों को भी एक्सरसाइज कराते हैं, इवन उनसे जो यंग है, क्योंकि वो हमेशा, कभी भी मैं पूछूंगी आप कैसे हो, जैसे मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, गाड़ी भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ओके। बट उसी तरफ दूसरी तरफ एक लड़का है जो 30 साल का है, 40 साल का है, उसे जब फोन करो, उससे पूछो कैसे हो, बस मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे पाँव में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है। फिर सामने वाला भी जो सुनता है ना, कहते हैं इसकी ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होती है, तो फिर वो एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है। तो हम अपने लिए ये कर सकते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव परफॉर्म करें। आई एम हैप्पी, आई एम एट पीस, आई एम अट्रैक्टिंग व्हाट आई डिजायर, आई एम अबंडेंट। अब यहाँ पे भी एक क्लैश आता है जिसको मैं हाईलाइट करूंगी कि लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती। हम तो 15 दिन से बोल रहे हैं, हम तो 1 महीने से बोल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। हम बोल तो रहे हैं बट हम मान नहीं रहे, हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे डाउट्स ला रहे हैं। सो मैनिफेस्टेशन इज अ 2-way sword, 2-edged sword। आपको बोलना है और उसको मानना भी है। मैंने ये अचीव कर लिया है, ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको मानती हूँ। मैं बोल तो रही हूँ बट मैं मन में सोच रही हूँ यार ये होगा भी या नहीं होगा, राइट। वहाँ मैनिफेस्टेशन वर्क काम नहीं करेगा। एंड मैनिफेस्टेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज देर आर इश्यूज व्हिच आर लाइक डीप रूटेड। कार्मिक भी हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ इश्यूज हैं, तो उनको हील करने के लिए टाइम इज नीडेड, पेशेंस एंड बिलीफ इज नीडेड। जैसे आपने कहा ना कि हम लोग जो बोलते हैं वही चीज़ हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से डार्क एनर्जीज़ के बारे में जब मैं पूछती हूँ, या नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में जब मैं पूछती हूँ, किसी भटकती हुई आत्मा के बारे में मैं जब पूछती हूँ, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि इस बारे में हम लोग डिस्कस ना ही करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुप्त विद्या होती है और इसको जितना ये गुप्त रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि बात करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, इसका रिवर्स एग्जाम्पल देती हूँ। हम बोलते हैं ना कि जो हम बोलते हैं वो हम क्रिएट करते हैं, नोशन 1। नोशन 2, वर्ड्स आर पावर। नोशन 3, हमारे आसपास हमेशा एंजल्स रहते हैं, एनर्जीज रहती हैं, और अगर हम उनसे मांगे हमें मिलता है। नंबर 4, भगवान सुन रहा है, अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमें अच्छा तथास्तु होगा। तो अगर ये सारी चीजें हैं, तो इसी तरह डार्क एनर्जीज और बाकी एनर्जीज भी तो हमारे आसपास हैं। अगर हम उन्हें बार बार अटेंशन पे करेंगे, बार बार वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे, तो अगर हम अच्छे की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो हम वो फ्रीक्वेंसी भी तो यूनिवर्स में क्रिएट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, आज की डेट में सब कुछ होने के बाद, मॉडर्नाइजेशन है, हमारे पास ऑल कंफर्ट्स हैं, हम इतने एआई की हम बात कर रहे हैं, बट फिर भी हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी और तब भी इंसान संतुष्ट था, खुश था, बीमारियां कम थी। क्यों? क्योंकि पाठ पूजा, स्पिरिचुअलिटी, फास्टिंग, रिचुअल को फॉलो करना, घर में कोई चला गया है तो 13 days का वो एक पीरियड मेंटेन करना। आज की डेट में आज कोई चला गया, कल रेस्टोरेंट में बैठ के हम खाना खा रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, उन एनर्जीज को हम डिप्लीट करते गए और हम चटपटी खबरें, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, कहाँ रेप हो गया, हम इसको पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे हमें मज़ा आ रहा है, बजाय कि अगर वहाँ पे मैं कॉलम लिख दूँ पॉजिटिविटी का तो उसको किसी को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम वो एनर्जी अब्जॉर्ब ही नहीं करना चाहते। तो जैसी एनर्जी हम अब्जॉर्ब करेंगे वैसी एनर्जी क्रिएट करेंगे, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वैसी एनर्जी फ्लोट करेगी, तो जो एनर्जी अच्छी घूम भी रही है वो दूसरी हैवी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करेगी। तो कई चीजें हम खुद ही तो बोलते हैं डार्क एनर्जी। डार्क का मतलब क्या है? अंधेरा। अंधेरे का मतलब क्या है? इट हैज टू बी गुप्त ओनली, इट इज नॉट फॉर एवरीबडी टू नो एंड अंडरस्टैंड। क्योंकि जितना हम बोल रहे हैं उतनी फ्रीक्वेंसी वैसी अट्रैक्ट कर रही है। एंजल सुन रहे हैं तो बाकी एनर्जीज भी सुन रही हैं। कहते हैं ना हम दीवारों के कान होते हैं। जब दीवारों के कान हो सकते हैं तो एनर्जीज के तो बिल्कुल है ना। तो इट इज बेटर जो इस काम को समझता है, जो इसमें सक्षम है, जो इसमें एक्सपर्ट है, वो इस बारे में काम करे, रिचुअल्स करे, चीज़ों को हटाए या उनको अपने तक गुप्त रखे। क्योंकि ये बताना कि यहाँ जाके आप ये सिद्ध कर लो, ऐसे अप्सरा सिद्ध होगी तो ऐसे, इट इज़ आप साथ में डेंजर भी बताओ। क्योंकि जो कॉमन मैन है जो इस लालच में कि मेरा काम फटाफट हो जाएगा तो मैं ये यहाँ जाके सिद्ध कर लूँ, उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल। अगर मुझे कहीं ना कहीं ये नहीं पता कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक है तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने सारे चक्रास पे क्या काम करना चाहिए, कौन सी हीलिंग करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कौन सी मेडिटेशन करना चाहिए, तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अपने चक्रास को ओपन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे आसान मेडिटेशन है व्हाइट लाइट मेडिटेशन। अच्छा, अगर आपको अपने सातों चक्रा पता है तो आप व्हाइट लाइट यानी कि यूनिवर्स की गोल्डन लाइट या व्हाइट लाइट को इनवाइट करो, आप उसको बुलाओ। दैट आई कॉल अपॉन द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स, द व्हाइट लाइट, द गोल्डन लाइट। और धीरे धीरे अपने हर चक्रा में जाओ। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, हैवीनेस है, नेगेटिविटी है, थॉट्स हैं, उनको देखो कि वो रिलीज हो रहे हैं। द स्मोक इज गोइंग आउट एंड द व्हाइट लाइट इज फिलिंग अप दैट चक्रा। देन यू क्रिएट अ पाइप, गो डाउन टू द सेकेंड चक्रा, डू इट थर्ड, ऐसे करके आप अपनी पूरी बॉडी को प्योर कर सकते हो। दिस इज सिंपलेस्ट मेडिटेशन। आप 10 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर आप डेली करते हो। इन अ वे यू आर क्लेंजिंग योर चक्रास एंड अलाइनिंग देम विद द व्हाइट लाइट एंड द यूनिवर्सल लाइट। उसके बाद आप उसको प्रोटेक्ट करो। एक यू नो यू मेक अ पिरामिड अराउंड योर सेल्फ। पिरामिड क्या होते हैं? मंदिर में होते हैं, टेम्पल्स में होते हैं, ऑल रिलीजियस प्लेसेस हैव पिरामिड्स। सो एक पिरामिड क्रिएट करो, उसके अंदर बैठ जाओ। अपने आप को देखो, आप बैठा हुआ और मैं पूरा व्हाइट लाइट से भरी हुई हूँ। अच्छा, ये मतलब ये कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया कि कोई भी नेगेटिव क्लेंस करा, हाँ, एनर्जाइज करा। ये क्लेंस आपने वैसे ही किया कि जैसे आपने व्हाइट लाइट से देखा कि जो भी नेगेटिव हैवी एनर्जी है, डार्क एनर्जी इट इज गोइंग अवे। ठीक है, और हमें अपने प्रोटेक्ट करना है कि एक पिरामिड अपने चारों तरफ उसको बनाना है, मतलब ऐसे शेप में। ऊपर ऐसे बना लिया, उसके अंदर बैठ गए और यू विजुअलाइज योरसेल्फ इन अ व्हाइट लाइट और पिरामिड इज देयर टू प्रोटेक्ट यू एज इफ यू आर सिटिंग इन योर ओन हाउस। अच्छा, ठीक है। और ये जैसे मैंने प्रोसेस किया तो ये कितने टाइम तक के लिए मेरे साथ रहेगा? 24 घंटे, 24 hours का इसका टाइम ड्यूरेशन। बट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल यू आर विजिटिंग अ हॉस्पिटल सो इट माइट गेट डिप्लीटेड फास्टर, बट अदरवाइज 24 hours। ओके तो इसके लिए कुछ मंत्रा भी होते हैं अपने ऑरा को लॉक करने के लिए? कुछ उसके लिए आपको सीखना पड़ता है क्योंकि हर सिंबल के साथ मंत्रा आता है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, सिंबल्स हैं उनको कैसे यूज करना है। देन यू हैव टू लर्न द एंटायर थिंग। रेकी सीखें, लामा फेरा सीखें, आप कोई भी हीलिंग मेथड सीख सकते हैं। इसमें ही कहती है स्पिरिचुअल हीलिंग। मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहूँगी कि जितनी भी हीलिंग है इसका आधार क्या? कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी तो है बिकॉज हम अपने चक्रास को टैप कर रहे हैं, आसपास की हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमारे जो आसपास पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी है, दी स्पिरिचुअल एनर्जी, दी लाइफ फोर्स, उसी को तो प्राणा को तो एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हम स्पिरिचुअलिटी को ही रूट मान के चल रहे हैं। कोई इस रास्ते पे जाना चाहता है, स्पिरिचुअल वे पे जाना चाहता है तो क्या उसको करना चाहिए? मतलब कई बार इंसान कोई गुरु ढूंढता है, कोई और रास्ता ढूंढता है, किसी और को ढूंढता है। तो अगर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो मुझे ये चीज़ पे रास्ते पे जाना है तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप आपका होना चाहिए अपने थॉट्स को, अपने आप को क्लेंज और प्योर। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर भलाई भी करो तो शुरुआत पहले खुद से करो। पहले अपनी हीलिंग करो, अपने आप को क्लेंस करो, अपने आप को कोई एक डेली रूटीन फॉलो कर लो। मैं 10 मिनट की क्लेंजिंग कर ली, एक नॉर्मल आप थोड़ी सी कोई भी मंत्र, ओम से ही आप शुरू करो, ओम चांटिंग शुरू करो। वो भी ओम चांटिंग भी क्या है? इट इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, है ना। तो वो इतना पावरफुल है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इतनी ऊर्जा लेके आता है कि आप उसको अगर आप 3 बार भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ओम चांटिंग करें तो आप देखो कितनी ऊर्जा आती है, आपका माइंड खुल जाता है पूरा, है ना। स्पिरिचुअलिटी हम सोचते हैं ना, हमने अब आज पाठ पूजा करना स्टार्ट कर दिया, हम बहुत धार्मिक, बहुत रिलीजियस बन गए। इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ अ बिगनिंग, एंड एवरी स्टेप इज आई थिंक अ न्यू बिगनिंग। आप हर दिन से जब आप वो फॉलो करनी शुरू करोगे ना प्रैक्टिसेस, बी काइंड टू योर नेबर, बी ऑनेस्ट फॉर टुडे, डू नॉट चीट एनीवन, बी हम्बल, स्माइल एट एवरीबडी, जिसको देखो उसको स्माइल। सो इट इज एवरी डे यू विल फाइंड दैट थिंग गेटिंग इन यू, और आपको ना हर रोज एक नया एक्सपीरियंस होगा। 7 दिन करके देखो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तारा मैम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये सेशन रहा है लोग ज़रूर उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर, और बहुत सारे जो लोगों के मन में डाउट्स हैं वो हम लोगों ने बहुत हद तक क्लियर कर लिए हैं, हीलिंग को लेकर के या स्पिरिचुअलिटी को लेकर, डार्क एनर्जीज़ को लेकर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और उम्मीद करूँगी कि आप दोबारा मेरे पॉडकास्ट पे ज़रूर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलूँगी एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।